कामिका एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को पितामह ब्रह्मा जी ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे कामिका एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर इच्छा प्रकट की है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक कामिका एकादशी की कथा सुने। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और जिसकी वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वह क्षत्रिय अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करना चाहता था, लेकिन पंडितों ने उसके घर आने और ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्महत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर आकर भोजन करेंगे। इस पर स्त्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए तरीके से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसी रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या और शिशु हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के सुनने मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा मिलता है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। ओम नमो नारायण।